क्या आप लाल किताब के सरल उपायों द्वारा अपने जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो हमसे अपनी पर्सनल 5 साल, 10 साल या 15 साल की लाल किताब के वर्षफल एवं उपाय की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर या हमारी वेबसाइट www.shanidev.us पर तुरंत संपर्क करें। क्या आप परेशान हैं? तो आप अपनी जन्म कुंडली और पूजा के लिए 2 फल लेकर नई दिल्ली में गुरु रजनीश ऋषि जी से मिलें और बिना किसी फीस के अपने ग्रहों की परेशानियों को दूर भगाएं। गुरु जी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लें फोन नंबर 011-450-51710 पर अथवा 9818-144-257 पर। गुरु जी से मिलने का समय है सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक या दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक। गुरु जी किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लेते हैं, जन कल्याण के लिए फ्री सेवा करते हैं। गुरु जी का एड्रेस है 38/18 बैक साइड एंट्री, ईस्ट पटेल नगर, न्यू दिल्ली। प्रिय भक्तगणों, आप में से बहुत सारे लोग गोत्र के बारे में नहीं जानते हैं। ऐसे समस्त भक्तगण बार बार मुझसे कहते कि हमें गुरुजी अपनी गोत्र नहीं मालूम, हम अपनी गोत्र का कैसे पता लगा सकते हैं, गोत्र क्या होती है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आप सबको गोत्र क्या है उस बारे में बताना चाहूंगा। प्रिय भक्तगणों, जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तो उन्होंने सृष्टि में वृद्धि के लिए विभिन्न ऋषि मुनियों को का निर्माण किया। सनातन, संकादिक, नारद जी, परशुराम जैसे बहुत सारे ऋषियों का समय समय पर निर्माण किया, सृजन किया और उनसे कहा कि आप अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाएं। मगर उन सभी ऋषियों ने, जिनमें नारद जी और परशुराम जी भी शामिल थे, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने से मना कर दिया और संन्यास के पथ पर अग्रसरित हो गए। यह देखकर ब्रह्मा जी को बहुत निराशा हुई। आखिरकार उन्होंने कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जनमदग्नि, वशिष्ठ आदि 7 ऋषियों का पुनः निर्माण किया या रचना की और उन्हें आदेश दिया कि मैं आप सबको आदेश देता हूं, आप वैदिक धर्म के प्रचार और प्रसार के साथ गृहस्थ धर्म का भी पालन करें और संतान उत्पत्ति करें। उन सभी ऋषियों ने, जो 7 ऋषि थे, उन्होंने ब्रह्म देवता की, ब्रह्मा जी की बात मानकर उनके आदेश को सिर माथे पर लिया और वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गृहस्थ धर्म में भी प्रवेश किया। यही अनंततः सप्त ऋषि कहलाए और इन्हीं समस्त सप्त ऋषियों में से किसी एक ऋषि की संतान आप में से कोई ना कोई व्यक्ति है। कोई कश्यप ऋषि की संतान है, जिनकी शुरुआत कश्यप ऋषि के बाद सूर्यदेव भी उसी वंश में पैदा हुए थे, भगवान शनिदेव भी उसी वंश में पैदा हुए थे, तो यही सूर्य वंश कहलाया। उसी में आगे चलकर भगवान श्री राम का भी जन्म हुआ था। अत्रि गोत्र में जो अत्रि ऋषि की संतान है, उसमें चंद्र देवता ने जन्म लिया,
चंद्र देवता से बुद्ध देवता ने जन्म लिया, इसी वंश में आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो ये सब अत्र ऋषि की संतान कहलाए। तो इन सबकी गोत्र अत्री है। ऐसे ही गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जन्मदग्नि इत्यादि अन्य गोत्र हैं। तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति की जो गोत्र है, या तो कश्यप है, या अत्री है, या गौतम है, या वशिष्ठ है, या जन्मदग्नि है, या भारद्वाज है, या विश्वामित्र है, इन्हीं में से यही हमारे फर्स्ट एंसेस्टर हैं, यानी हमारे प्रथम पिता हैं, हम इन्हीं के वंशज हैं। और ये सभी ब्राह्मण थे, ये सभी ऋषि थे, तो हम सब जो हैं वो इन्हीं ऋषियों की संतान हैं। यहां पर कोई ऐसा नहीं था कि कोई नीच कुल का था, कोई उच्च कुल का था। हम सब जो हमारे वंशज हैं, जो हमारे प्रथम पूर्वज हैं, वो यही ऋषि मुनि थे। और ये वो महान ऋषि मुनि हैं जिनकी हम संतान हैं। तो यही हमारी गोत्र कहलाती है, यही हमारे पहले पूर्वज हैं, फर्स्ट फादर वही हैं जिन्हें हम गोत्र के रूप में याद करते हैं। कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जन्मदाग्नि, इन सब ऋषि मुनियों से ही हमारा जन्म हुआ है, इन्हीं की हम संतान हैं, और यही हमारी गोत्र कहलाती हैं। ये जाति व्यवस्था का जो वर्गीकरण हुआ था, वो उसके बहुत बाद में, जब संतान उत्पत्ति के बाद बहुत सारी जनसंख्या बढ़ गई, तो उनके बीच में एक दोबारा से आपस में आपसी सहमति के आधार पर, कर्मों के आधार पर, वो जो कर्म करते थे उसके आधार पर जाति सूचक विभाजन बना। एक्चुअली वो जाति सूचक नहीं था, वो कर्म सूचक था, जिसे आज हम जाति कहते हैं। अरे जो व्यापार करता था उसे हम बनिया कहने लगे, जो मंदिरों में बैठकर पूजा पाठ या आचार्य थे या गुरुकुल इत्यादि चलाते थे, उन ऋषि मुनि को पंडित कहने लगे, ज्ञानी कहने लगे, वो पंडित थे। जो युद्ध कला में पारंगत हुए वो क्षत्रिय बने। तो ये कर्म के आधार पर हमारा विभाजन था। लेकिन आज अगर कोई बनिए का लड़का, अगर कोई बनिए का लड़का शास्त्रों का अध्ययन करके, अगर आपको ज्ञान की शिक्षा देता है, तो वो बनिया नहीं कहलाएगा, वो बनिया नहीं है, वो वैश्य नहीं है। उसके बाद वो सिर्फ पंडित, विद्वान, ज्ञानी पुरुष कहलाएगा, ऋषि कहलाएगा, संत कहलाएगा। ऐसे ही अगर कोई शूद्र अगर शास्त्रों का अध्ययन करके, वैदिक परंपरा का निर्वाह करते हुए यज्ञ पूजन करता और कराता है, ज्ञान बांटता है, तो वह भी पंडित कहलाएगा, ज्ञानी कहलाएगा। तो यह ही वो फर्क है जो कर्मों के आधार पर हुआ था और गोत्र था। गोत्रानुसार हम सभी लोग ऋषि मुनियों की संतान है, न कोई हरेक ऋषि मुनि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण थे, ब्रह्मा जी की संतान थी, ब्राह्मण थे। कार्मिक विभाजन, जो कर्म के आधार पर जो वर्गीकरण या विभाजन हुआ था, उसका गोत्र से कोई भी लेना देना नहीं है। उसे हम लोगों ने आपस में आपसी आधार पर, आपसी सहमति के आधार पर, उसके कर्म के आधार पर वर्गीकरण किया कि भाई तू युद्ध कला में पारंगत है, तू क्षत्रिय कहलाएगा, तू व्यापार में पारंगत है, तू व्यापार करता है, तू व्यापारी कहलाएगा, तू सत्संग, प्रवचन, पूजा पाठ इत्यादि करता कराता है, तू पंडित कहलाएगा। यह इस प्रकार के विभाजन थे। हमारी जो कुल मिलाकर जो गोत्र हैं वो केवल 7 हैं। हमारे सप्त ऋषि मंडल, ये वही मंडल है जो आज भी आसमान में ध्रुव तारे के चारों ओर
चमक रहा है, ये वही हमारे फर्स्ट एंसेस्टर्स हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया था, यही हमारी गोत्र हैं, इन्हीं में से एक की हम संतान है, वही गोत्र कहलाती है। और जिन व्यक्तियों को अपनी गोत्र नहीं पता है, वह आज से अपनी गोत्र कश्यप मानकर ही प्रयोग करें। अगर उनसे अब भविष्य में कभी पूछा जाए तो वो अपनी गोत्र कश्यप बताएं, यही हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। जिनको अपनी गोत्र नहीं मालूम है वो अब से कश्यप ऋषि की संतान कहलाएंगे, वो अपने गोत्र में कश्यप ऋषि का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनकी गोत्र कश्यप गोत्र कहलाएगी। क्या आप परेशान हैं? तो आप अपनी जन्म कुंडली और पूजा के लिए दो फल लेकर नई दिल्ली में गुरु रजनीश ऋषि जी से मिलें और बिना किसी फीस के अपने ग्रहों की परेशानियों को दूर भगाएं। गुरु जी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लें फोन नंबर 011-450-51710 पर अथवा 9818-144-257 पर। गुरु जी से मिलने का समय है सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक या दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक। गुरु जी किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लेते हैं, जन कल्याण के लिए फ्री सेवा करते हैं। गुरु जी का एड्रेस है 38/18 बैक साइड एंट्री, ईस्ट पटेल नगर।